कि हम अंदर आ जाए। हम आ गए हैं काकी, हम शोभा हैं। अरे अरे, वो कब से तुझे पुकार रही है, उसे अंदर तो बुला। चुपचाप खाना खाओ। ऐसे क्या देख रही है? आले, उसके बाद झाड़ू मारना और बाड़ी से पानी भर के लाना, समझ गई? दुस्साहस हमारी पुत्री से दासियों जैसा काम करवाए, हमसे सहन नहीं होगा महाराज। महारानी रुक जाइए, महारानी याद है आपने हमसे क्या कहा था? महारानी महारानी रुक जाइए। अरे राजकुमारी की तरह मटक के मत चल, ये कोई महल नहीं और तू कहीं की राजकुमारी, समझी ना? शीघ्र कर। क्या कहा आपने? दुस्साहस, अपनी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार? रानी बा, आपने डांटी मत, इन्होंने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और अब भूल रही हैं कि हम एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक अपराधी है। सुन लिया आपने महारानी जी, ये केवल एक अपराधी, लेकिन आप क्या जानते माँ का दर्द होता है, माँ की पीड़ा होती क्या? आप कैसे जानेंगी माँ? 9 महीना पेट में रखा था मैंने उसे, पेट काट कर खिलाया, संसार के हर दुख से बचा के रखा था मैंने उसे। संतान खोने का दर्द का आभास होने के लिए मां बनना आवश्यक होता है महारानी जी। आप क्या जानते माँ की ममता होती? जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा उसी क्षण हम क्षमा कर देंगे इस हत्या में। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। अरे सरला बहन, तुम यहाँ अचानक से, ये क्या? भाभी जी को 16 साल बाद पुत्र रत्न हुआ है। जिसकी दुनिया बांच कहती थी उसका कल्याण रुद्रभद्र ने कर दिया। हमें ऐसा क्यों लग रहा कि आप हमारे पाक मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं? गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, आपको गलतफहमी हुई है। ये बंदा तो हमेशा आपका सच्चा हिमायती रहा। हमें अपने लश्कर को छोटी छोटी टुकड़ियों में हिंदुस्तान की तरफ रवाना करना चाहिए और वहां जाकर हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें हमारे ऊपर शक हो, और तब हम इत्मीनान से उनकी मंसूबाबंदी को समझ लेंगे और उनको संभालने के पहले ही हम उन पे वार करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे, और इस प्रकार आप दत्ता चलुक्या और उस लड़की शोभा से बदला ले सकते हैं।